गाजियाबाद पुलिस की 6 घंटे के भीतर बदमाशों से 2 मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम था। दरअसल पहली मुठभेड़ विजयनगर इलाके में हुई, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी को पकड़ा, तो वहीं दूसरी मुठभेड़ इंदिरापुरम इलाके में हुई। यहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। वही मुठभेड़ के दौरान घायल सिपाही और बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश रामप्रस्थ का जो रेड लाइट चौराहा है, उससे एक महिला की चेन छीन कर भागे थे। इसकी सूचना प्राप्त हुई और ये जब बदमाशों का पीछा किया गया तो उनको एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे रास्ता घिरा देखकर बदमाश मतवाजों की मोटरसाइकिल फिसल गए। उनके द्वारा पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें एक रवि चौधरी नाम का हमारा कांस्टेबल है, उसकी गोली लगी और पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में बदमाश की भी गोली लगी है और ये बदमाश जहांगीराबाद का रहने वाला है। पुलिस की माने तो इंदिरापुरम और आसपास के इलाकों में हो रही कई चैन स्नैचिंग की वारदात में पकड़े गए बदमाशों का हाथ रहा है। फिलहाल घायल बदमाश और सिपाही की हालत में पहले से काफी सुधार है और पुलिस फरार बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। न्यूज़ डेस्क।